ये थी कि मैंने 25 साल कंप्लीट किए हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है क्योंकि बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। बहुत छोटी थी, फिर मैच्योरिटी आई और अभी भी आ ही रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ, बट ऑफ कोर्स आई बिलीव इन चेरिशिंग एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एंड दैट्स द रीज़न आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड आई थॉट दैट व्हाई नॉट, हम हमेशा सोचते हैं कि लोग आपसे प्यार करें एंड पैम्पर करें, तो क्यों नहीं आप अपने आप से शुरुआत करें कि ओके ठीक है, इस बार मैं बर्थडे गिफ्ट अपने आप को ही देना चाहूँगी। बिकॉज बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस रहें और अपने काम को लेकर और मेहनत करें अपने ऊपर। मैंने भी बहुत मेहनत की है, जिम जा रही हूँ, योगा कर रही हूँ, दौड़ रही हूँ। आई एम रियली गिविंग माई 100% एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों नहीं मैं अपना पोर्टफोलियो करूं। जब से बॉम्बे आई मैंने कभी पोर्टफोलियो किया नहीं एज सच, तो सोचा कि क्यों नहीं इस बार अपने बर्थडे को थोड़ा स्पेशल मनाया जाए। चूँकि 25 इयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो रहा है एंड आई एम एंटरिंग इनटू 26 यू नो ईयर, सो व्हाई नॉट टू गिव माई सेल्फ दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। ये भी कहना चाहूँगा, यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, यहाँ आए थे आपने काफ़ी सारे शोज़ किए और सक्सेसफुल शोज़ किए, तो कितना बड़ा चैलेंज था स्मॉल टाउन से आना और यहाँ पे शोज़ करना, और कितना सपोर्टिव का एनवायरनमेंट यहाँ का, ग्लैमर इंडस्ट्री कितना सपोर्टिव? देखिए सच्चाई ये है कि ग्लैमर इंडस्ट्री ऑफकोर्स इतनी खूबसूरत दिखती है, इतनी खूबसूरत होती नहीं है, ये सच है। आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स, और मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ एक ही तरीके का, बहुत बार आपको ऐसा होता है लाइफ में कि आप बहुत नीचे जाते हैं, और हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हर किसी के ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन रॉकस्टार वही होता है कि जब वो पल आए तो इतना ज़्यादा अंदर न धंस जाए। ये ज़रूर ध्यान रखे, सोच कर रखे कि जब यहाँ पर आप पहुँचते हो ना, तो वहीं से फिर दूसरे चीज़ की शुरुआत होती है। तो जब भी पेन आए, आई ऑलवेज स्माइल एंड आई ऑलवेज फील कि सब है अच्छा और आगे भी अच्छा ही होगा और सब अच्छा ही करेंगे, यू नो यूनिवर्स, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। और इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक मोमेंट को जीऊँ और जो भी मेरे पास है, जो कि हार्ड वर्क है अपने मेरे हाथ में, वही मैं कोशिश करती हूँ कि करती रहूँ। और कोई चीज़ अगर मुझे नहीं मिलती है तो मुझे लगता है कि रादर दैन ब्लेमिंग इट टू एनी वन, आई थिंक आई शुड जस्ट थिंक कि ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है तो क्यों नहीं मैं और मेहनत करूँ। बिकॉज मैं देखती हूँ हाउ द वे दीपिका एंड प्रियंका चोपड़ा, दे आर रियली डूइंग सो वेल इन देअर लाइफ एंड दे आर मेकिंग अस प्राउड वर्किंग इंटरनेशनली, सो आई फील दैट वाई नॉट। जब वो कर सकती हैं और वो इतनी मेहनत करती हैं, सुबह आप कभी भी उनको, जो मैं फॉलो करती हूँ उनको, और आई फील वेरी प्राउड ऑफ देम कि बींग अ वुमेन दे आर एक्चुअली डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क रेदर देन ओनली वर्किंग इन किचन। यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड be active everywhere and that's the reason why everybody will respect you and love you for the way you are. So hum wahi ladkiyan galtiyan karti hain aur wo nahi karni chahiye, hame apni strong individuality and independency ko nahi bhulna chahiye, and that's the reason main bhi bahut koshish karti hu ki jitna jo log us level tak pahunche hain, jin logon ne itni mehnat ki hai, agar main unko thoda bhi follow karu, 50% bhi follow karu, to I think I can be there where I deserve to be. आपने एग्जाम्पल दिया प्रियंका का, दीपिका का, कोई भी आता है अगर छोटे शहर से कहीं से भी आता है मुंबई में तो बड़ा स्टार बनने आता है, तो ये माइंडसेट कहाँ तक सही है, क्योंकि आज टेलीविजन मीडियम भी इतना बड़ा हो चुका है और इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है। देखिए बात स्टार बनने की नहीं है, बात ये है कि आप कितने लोगों के दिलों में जगह बना पाए हैं। आज मैंने इतने किरदार किए हैं, इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं और मैंने परफॉर्मेंस की है, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है लाइफ में वो मुझसे कोई ले नहीं सकता। जो मेरा करियर रहा है 6 साल का, उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। वो एक ऐसी चीज़ है, जब मैं खड़ी होती हूँ परफॉर्म करती हूँ तो फ्लैशेज आ जाते रहते हैं कि इस वक्त मुझे ये एक्टिंग करनी है, इस वक्त मुझे ये बात इस तरीके से बोल जानी है जैसे उस एक्टर ने मेरे सामने परफॉर्म किया था। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियां सेट पे लोगों को प्यार हो जाता है और बहुत कुछ होने लगता है, अपना फोकस भूल जाते हैं। तो आपने कभी भी मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने काम की जगह पर कभी प्यार मोहब्बत नहीं कर पाई। मैं हमेशा फोकस रहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं काम के लिए आई हूँ, मुझे अपना काम करना है। वो 12 घंटे मेरी लाइफ के ऐसे होने चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा कर गुजरना है कि लोग भी कह जाएँ कि वाह ये बात हुई और आपने आज उस कल से अच्छी परफॉर्मेंस आज की है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स ऑल अबाउट पैशन इन यू। मैं बचपन से ही बहुत पैशनेट हूँ और मुझे शुरू से ही लगता था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊँगी। और मैं जहाँ थी, मैं दिशाहीन थी। वाराणसी एक बहुत छोटा सा गांव है, जहाँ पर रामनगर की रहने वाली हूँ, बहुत छोटा सा गांव है इनफैक्ट वाराणसी में। तो वहाँ से यहाँ का जो सफ़र है वो बहुत मुश्किलों भरा रहा, इसलिए क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि आपको जाना कहाँ है। तो
तब से लेकर आज का सफ़र मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि मुझे जाना कहाँ है। लास्टली पूछ रहा हूँ कि एज अ सेलिब्रिटी क्या फील करते हैं, क्या ड्रॉबैक होता है सेलिब्रिटी बनने का और क्या एडवांटेज होता है कोई सेलिब्रिटी? सी इट्स ऑल इन द माइंड। मैं आपको सच बोलूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को इन्जॉय नहीं करते, लेकिन मैं पूरी अटेंशन इन्जॉय करती हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई लव इट व्हेन माय फैंस दे स्क्रीम एंड दे कम टू मी, आई टॉक टू देम, लिटरली आई टॉक टू देम। मैं पूछती हूँ अच्छा आपको ये अच्छा लगा, अच्छा आपको, बिकॉज इवन आई एम अ नॉर्मल गर्ल, मैं भी एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं कोई एलियन नहीं हूँ। एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है डॉक्टर, एक इंजीनियर का इंजीनियर, वो भी तो अपने घर पे नॉर्मल रहते हैं। तो हम जब एक्टर बन जाएं तो हमें एबनॉर्मल क्यों बिहेव करना है? तो मेरे घर में भी कोई मुझसे ऐसे नहीं बात करता, ओ माय गॉड शी इज़ एन एक्टर, कोई मेरी नहीं सुनता। एज यूजुअल जितनी जो एक 25 साल की लड़की के साथ होना चाहिए वैसी ही ट्रीटमेंट मिलती है। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेरेंट्स भी आपको ऐसी ट्रीटमेंट दें, और वही मुझे मिलती है, कोई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, विच इज़ गुड। आज भी मैं पापा मम्मी के साथ सब्जी खरीदने जाती हूँ वैसे ही जैसे एक नॉर्मल लड़की जाएगी, और वहाँ पे लोग मुझे पहचानते हैं तो मैं उनसे वैसे ही बात करती हूँ खड़े होकर कि अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब यू नो इट्स नॉर्मल फॉर मी। इट्स नॉट लाइक कि ओ माई गॉड आई बिकम एन एक्टर, ये वो ऐसी चीज़ें वो है ही नहीं मेरे अंदर, वो कभी नहीं रही और मैं जानती हूँ कि वो कभी आएगी भी नहीं। सो विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज आप फिर अपने काम पर ध्यान देते हो रादर दैन जस्ट शोइंग एंड फेकिंग अराउंड थिंग्स, इट कम्स नेचुरली टू मी। और मुझे अटेंशन मिलती है तो मैं उसको फुल इन्जॉय भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता अटेंशन मिलना, बहुत अच्छा लगता है, हर इंसान को अच्छा लगता है, और मैं भी एक नॉर्मल लड़की की तरह सब कुछ इन्जॉय करती हूँ और कभी नहीं भूलती कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई थी और आज कहाँ हूँ।